हाय फ्रेंड्स देखिए इसे बनाने के लिए मैंने दस नंबर की सिलाई ली है और देखिए ये वर्धमान का नॉर्मल साइज़ का ऊन है हमें इसमें डबल धागे से फंदे बनाने हैं तो यहाँ पे देखिए हम धागे को ऐसे ही डबल कर लेंगे अब देखिए यहाँ पे हमें नॉट लगाना है कैसे है ऐसे हम यहाँ पे नॉट लगा लेंगे यहाँ पे ये धागा डबल हो गया अब इसमें हम ऐसे फंदा बनाएंगे देखिए डबल वाला धागा हमें इस हाथ में लेना है और ये सिंगल वाला हमें ऐसे बाएं हाथ में लेना है ऐसे हम यहाँ पे लपेट के ये वाला फंदा इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे अब देखिए यहाँ पे ये एक फंदा बन गया तो पहला फंदा ऐसे ढीला सा रहता है आप इसे पकड़े रहिए उसके बाद इसी तरह से हमें दूसरा फंदा बनाना है दो तीन चार देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे फंदे बनाते हुए जाने हैं देखिए मैंने इसमें इकहत्तर फंदे डाल लिए हैं देखिए ये इसकी राइट साइड है हमें देखिए पहली लाइन से ही इसमें फंदे बढ़ाने हैं हम इसकी ये पहली लाइन बनाएंगे इसी लाइन में हमें छः फंदे बढ़ाने हैं तो पहले देखिए मैं यहाँ पे पिन लगा लेती हूँ कि हमें कहाँ कहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं मैं निशान लगा के तब तो आपको अच्छे से समझा देती हूँ देखिए यहाँ पे ये एक दो तीन चार पाँच छः सात सात फंदा हमें यहाँ पे रखना है यहाँ पे हम ऐसे पिन लगा लेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पे बीच में एक फंदा यहाँ पे भी हम ऐसे पिन लगाएंगे अब देखिए पिन के दोनों साइड में हमें एक एक फंदा बढ़ाना है अब इसी तरह से हमें इसमें करना है एक दो तीन चार पाँच छः सात यहाँ पे एक पिन फिर यहाँ पे एक फंदा फिर यहाँ पे हम ऐसे पिन लगाएंगे यहाँ पे भी हमें पिन के दोनों साइड में फंदा बढ़ाना है अब यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस एक, एक साइड में यहाँ पर सत्ताईस पंदा यहाँ पे भी हम ऐसे पिन लगा लेंगे यहाँ पे बीच में ये एक बंदा यहाँ पे ऐसे हम पिन लगा लेंगे अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी सत्ताईस बंदा है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस तो इस तरह से यहाँ पे टोटल इकहत्तर फंदे हमें डालने हैं सात यहाँ पे सात यहाँ पे सत्ताईस यहाँ पे सत्ताईस यहाँ पे और यहाँ पे बीच में एक एक अब देखिए पिन के दोनों साइड में हमें एक एक फंदा बढ़ाना है तो एक लाइन में हमारे यहाँ पे छः फंदे बढ़ेंगे ये देखिए ये राइट साइड है हमें सिर्फ राइट साइड में फंदों को बढ़ाना है यानी कि सीधी तरफ से जब हम सीधी साइड से बनाएंगे तो हम फंदा बढ़ाएंगे देखिए पहला फंदा उतार लीजिए ऐसे हमें सीधा बुनना है पूरी लाइन हम सीधी बुनेंगे देखिए यहाँ पे हमने सात फंदा बना लिया है अब यहाँ पे हम पिन के पास आ गए हैं तो एक फंदा हमें यहाँ पे बढ़ाना है हम किस तरह से बढ़ाएंगे देखिए धागा हम ले करके ऐसे यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेंगे यहाँ पे एक फंदा हमने बढ़ा लिया तो यहाँ पे आठ फंदा हो गया अब ये पिन हमें इस पर कर लेना है अब ये एक फंदा हम इस तरह से सीधा बना लेंगे फिर ये पिन इस पे करके फिर से हम यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे पिन लगाया है ताकि आपको समझाने में आसानी हो आप बगैर पिन लगाए बना सकते हैं लेकिन यहाँ पे आपको फंदा गिनना पड़ेगा तो इसलिए आपके पास जो भी पिन हो आप यहाँ पे निशान लगा लीजिए तो बनाने में बहुत ही आसानी हो जाती है देखिए यहाँ पे भी हमने इस तरह से एक फंदा बढ़ा लिया जिससे हमने यहाँ पे बढ़ाया था अब यहाँ पे हमें ऐसे सीधा बुनते हुए जाना है देखिए यहाँ से हम यहाँ तक बनाएंगे फिर से हम यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएँगे हमें पूरी लाइन सीधी बनानी है देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने बना लिया है हम यहाँ पे देखिए इस पिन के पास आ गए हैं तो यहाँ पे भी हमें एक फंदा बढ़ाना है जैसे हमने यहाँ पे बढ़ाया था उसी तरह से बढ़ाएंगे ऐसे करके एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे इस तरह से जब हम फंदे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे जाली नहीं बनती है हमें यहाँ पर जाली नहीं बनाना है तो इसी हम इस तरह से यहाँ पर फंदे बढ़ा रहे हैं अगर आपको जाली बनाना है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर फंदे बढ़ा लीजिए अब देखिए ये वाला फंदा ऐसे हम बना लेंगे सीधा फिर इस पिन को इस पर करके फिर से हम यहाँ पे एक फंदा ऐसे बढ़ा लेंगे यहाँ पे भी हमने दो फंदा बढ़ा लिया एक यहाँ पे एक यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ से इस पिन तक बनाएंगे फिर से यहाँ पे हम फंदा बढ़ाएंगे देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने बना लिया है हम यहाँ पे देखिए इस पिन के पास आ गए हैं तो यहाँ पे भी हम उसी तरह से एक फंदा ऐसे बढ़ा लेंगे पिन को स्प्रे करके ये एक फंदा ऐसे बना के पिन इसप्रे कर लेंगे अब यहाँ पे हम फिर से ऐसे एक फंदा बढ़ा लेंगे इस तरह से हमने यहाँ पे दो फंदा बढ़ा लिया इस साइड में और इस साइड में अब ये फंदा हमें उसी तरह से सीधा बना लेना है देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने बना लिया देखिए इस तरह से एक लाइन हमने कंप्लीट कर ली है हमने एक लाइन में छः फंदा बढ़ाया है दो यहाँ पे दो यहाँ पे दो यहाँ पे एक लाइन हमारी हो गई है अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में देखिए ये इसकी उल्टी तरफ है तो उल्टी तरफ से हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं हम बगैर फंदे बढ़ाए हुए ये पूरी लाइन सीधी बुन के कम्प्लीट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ सीधा बुनते हुए जाना है हमें यहाँ पर टोटल सोलह लाइन का बॉर्डर बनाना है तो हम सोलह लाइन सिर्फ सीधा बुनते हुए जाएंगे देखिए पहला फंदा हम ऐसे उतार के धागा पीछे कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे हम ऐसे सीधा बुनते हुए जाएंगे देखिए यहाँ पे ये एक दो तीन चार पाँच छः सात हमने यहाँ पे सात फंदा रखा था एक फंदा हमने बढ़ाया है देखिए ये बढ़ाया हुआ फंदा है तो यहाँ पे आठ फंदा हो गया इसे देखिए हमें ऐसे इस तरह से इसे भी सीधा बना लेना है ये बढ़ाया हुआ फंदा पिन हम इस पर करेंगे ये फंदा ऐसे सीधा फिर पिन इस पर करके ये बढ़ाया हुआ फंदा इसे भी हम ऐसे सीधा बुनेंगे फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा इस लाइन में हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं देखिए इस तरह से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करना है देखिए मेरी ये लाइन हो गई है इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में सीधी तरफ अब देखिए हम राइट साइड में आ गए हैं तो यहाँ पे हमें फिर से फंदा बढ़ाना है दो यहाँ पे दो यहाँ पे दो यहाँ पे तो टोटल इस लाइन में छः फंदे हमें बढ़ाने हैं ये राइट साइड है सीधी तरफ देखिए मैं यहाँ पर ऐसे ये निशान लगा के आपको बता देती हूँ कि हमें इस साइड में जब आना है तो यहाँ पर फंदे बढ़ाना है जब हम इस साइड से बनाएंगे तो हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे जब हम इस साइड में आएंगे तो हम छह फंदा बढ़ाएंगे अब देखिए इसी दो लाइन को हमें रिपीट करना है हमें यहाँ पे टोटल सोलह लाइनें चाहिए तो ये दो लाइन हमने जो बनाई है इसी दो लाइन को हम यहाँ पे रिपीट करेंगे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और बना के बता देती हूँ देखिए यहाँ पे ये एक दो तीन चार पाँच छः सात देखिए हमने यहाँ पे सात फंदा रखा था अब यहाँ पे ये आठ फंदा हो गया है अब यहाँ पे हमें फिर से एक बंदा बढ़ाना है क्योंकि हम यहाँ पे पिन के पास आ गए हैं तो उसी तरह से हम एक फंदा ऐसे बढ़ा लेंगे ठीक है देखिए यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ा लिया अब ये पिन हम इस पर करेंगे और ये एक फंदा ऐसे सीधा बना के ये पिन हम इस पर कर लेंगे फिर से हम यहाँ पे एक फंदा ऐसे बढ़ा लेंगे ठीक है इस तरह से हमें यहाँ पे दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाना है देखिए यहाँ पे इस तरह से फंदा बढ़ते हुए जाएगा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ अब यहाँ पे नौ फंदा हो गया तो देखिए मैंने इसे बना के रखा है देखिए मैं इसमें आपको बता देती हूँ बॉर्डर मैंने कंप्लीट कर लिया है इसी तरह से बनाते हुए देखिए यहाँ पे टोटल मैंने सोलह लाइनें बनाई हैं अब ये जो उल्टी वाली लाइनें यहाँ पे दिख रही हैं इसे अगर हम गिने तो ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ तो आठ दूनी सोलह तो यहाँ पे टोटल सोलह लाइनें जब हम बनाएंगे तो इस तरह से ये आठ लाइनें यहाँ पे दिखेंगी अब यहाँ पे हम हर सीधी सिलाई पे दो फंदा यहाँ पे दो फंदा यहाँ पे दो फंदा यहाँ पे बढ़ाते हुए गए हैं तो यहाँ पे टोटल देखिए मैं आपको फंदे गिन के बता देती हूँ अब यहाँ पर कितने फंदे हो गए हैं देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह यहाँ पे पंद्रह फंदा हो गया है यहाँ पे भी पंद्रह फंदा हो गया है और बीच में तो ये एक एक फंदा, यहाँ पे अब यहाँ पे मैं इसे गिन के बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पे इस पिन से ऐसे एक दो तीन चार पाँच छः, सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इक्तीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनचालीस चालीस इकतालीस बयालीस तिरालीस तो यहाँ पे टोटल तिरालीस बंदे हो गए हैं और यहाँ पर भी तिरालीस बंदे हो गए हैं तो हमें इसी तरह से फंदे बढ़ाते हुए जाने हैं जैसे हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाए हैं अभी यहाँ पे नौ फंदा है जब हम इसी तरह से हर सीधी सिलाई पे फंदा बढ़ाते हुए जाएंगे तो यहाँ पे इसी तरह से ये हो जाएगा तो इसका बॉर्डर मैंने कंप्लीट कर लिया है मैं इसे हटा देती हूँ अब देखिए बॉर्डर बनाने के बाद हमें किस तरह से बनाना है मैं पहले देखिए बॉर्डर ऐसे नाप के बता देती हूँ देखिए लगभग डेढ़ इंच हमने इसका बॉर्डर बनाया है अब देखिए ये इसकी राइट साइड है मैंने यहाँ पे यह पिन लगाया था ये राइट साइड है अब बॉर्डर बनाने के बाद हमें यहाँ पे डिजाइन बनाना है तो देखिए ये पिन हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें अब फंदे नहीं बढ़ाने हैं हमें जितने फंदे यहाँ पे बढ़ाने थे हमने बढ़ा लिए हैं देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात सात फंदे का हमें यहाँ पे बॉर्डर बनाना है किनारे पे तो हम सात फंदा यहाँ पे ऐसे रख लेंगे और बाकी के जो पिन हम लगाए हैं इसे हमें निकाल लेने हैं अब यहाँ पे भी देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात सात फंदा यहाँ पे ऐसे करके हमें ऐसे पिन लगा लेना है ठीक है ये इस तरह से बॉर्डर कंप्लीट हो गया अब इसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे तो देखिए डिजाइन की यह पहली लाइन है ये चार लाइनों में कंप्लीट हो जाती है डिज़ाइन डिजाइन की पहली लाइन हमें किस तरह से बनाना है देखिए पहला फंदा तो हम उसी तरह से उतारेंगे अब देखिए बॉर्डर हमें इसी तरह से सीधा बुनते हुए जाना है जैसे हमने यहाँ पे बनाया है ये सात फंदा हमें हर लाइन में सीधा बुनना है चाहे हम उल्टी तरफ से बनाएं चाहे हम सीधी तरफ से बनाएं यहाँ का ये सात फंदा और यहाँ का ये सात फंदा हमें सिर्फ सीधा बुनते हुए जाना है एक फंदा हमने यहाँ पे बना लिया ये एक दो तीन चार पाँच छ सात ठीक है यहाँ पे देखिए हमने सात फंदा सीधा बना लिया है अब यहाँ पे हमें डिजाइन बनाना है तो डिजाइन की पहली लाइन हमें देखिए किस तरह से बनाना है धागा हम आगे कर लेंगे एक फंदा हमें उल्टा बनाना है अब धागा पीछे करके यहाँ पे देखिए ये जो तीन फंदा यहाँ पे है इस तीन फंदे को हमें थोड़ा सा ऐसे लूज कर लेना है थोड़ा सा ऐसे लूज करके हम सिलाई देखिए इस साइड से ऐसे करेंगे तीनों फंदे में तीनों फंदों को हमें एक साथ बुनना है ऐसे सीधा ऐसे धागा पीछे की साइड में है ऐसे लपेट के हम ऐसे सीधा बुनेंगे यहाँ पे ये एक फंदा हो गया अब धागा हम आगे लाएंगे फिर से देखिए तीनों फंदे में हमें सिलाई करना है फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से बनाइएगा एक भी फंदा छूटना नहीं चाहिए ऐसे हम तीनों फंदे में सिलाई करके धागा आगे के साइड में है ऐसे लपेट के हम एक फंदा उल्टा बना लेंगे अब यहाँ पे ये दो फंदा हो गया फिर से हम धागा पीछे करेंगे और फिर से हम तीनों फंदे में ऐसे सिलाई करके एक फंदा सीधा बना लेंगे तो यहाँ पे तीन फंदा हो जाएगा अब देखिए यहाँ पे यह तीन फंदा हो गया यहाँ पे यह तीन फंदा हमें उतार देना है तो यहाँ पे यह तीन फंदा इस तरह से बन जाएगा देखिए यहाँ पे इस तरह से हो गया ये इसी चार फंदे का डिज़ाइन है एक उल्टा और तीन फंदे में हमें इसी तरह से बनाना है अब फिर से इसी चार फंदे को हमें रिपीट करना है धागा आगे एक फंदा उल्टा जैसे हमने इसे बनाया है फिर धागा पीछे करके देखिए फंदे को हम थोड़ा सा ऐसे लूज करेंगे अब इस साइड से हम तीनों फंदे में सिलाई करके ऐसे सीधा बुनेंगे हमने एक फंदा बना लिया फिर धागा आगे फिर से सिलाई ऐसे करके एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे ये दो फंदा हो गया फिर धागा पीछे ऐसे सिलाई करके एक फंदा सीधा अब देखिए यहाँ पे ये तीन फंदा हो गया अब इसे हमें उतार देना है तीनों फंदों को इस तरह से ये चार फंदे हमें ऐसे रिपीट करने हैं फिर से हम धागा आगे करके ऐसे उल्टा बनाएंगे फिर धागा पीछे करके इसी तरह से हमें इस तीन फंदे में बनाना है तो फ्रेंड्स इसी चार फंदे को हम रिपीट करते हुए ये लाइन हम यहाँ से देखिए यहाँ तक बनाएंगे इस पिन तक ये फंदे तो हमें सीधे बनाने हैं तो डिज़ाइन हम यहाँ तक इसी तरह से रिपीट करेंगे देखिए मेरी ये लाइन हो गई है यहाँ से यहाँ तक हमने बना लिया है हम यहाँ पे देखिए इस पिन के पास आ गए हैं यहाँ पे देखिए उल्टा इस तीन में हमने ये डिज़ाइन बनाया है फिर ये एक उल्टा फिर तीन में हमने डिज़ाइन बनाया है फिर यहाँ पे देखिए लास्ट में एक फंदा उल्टा आएगा जिसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में Osionfish. एक फंदा उल्टा रखा था उसी तरह से यहाँ पे लास्ट में भी आएगा इसी तरह से हमने यहाँ पे डिज़ाइन के फंदों को सेट किया है ठीक है तो यहाँ पे इस दिन में हमने ये डिज़ाइन बना लिया है अब ये एक फंदा हमें उल्टा बनाना है उसके बाद यहाँ पे ये सात फंदा हम सीधा बनाएंगे क्योंकि इसे हमें हर लाइन में सीधा बनाना है चाहे हम रॉन्ग साइड से बनाएं चाहे हम राइट साइड से बनाएं तो इस तरह से यह सात फंदा सीधा देखिए डिज़ाइन की पहली लाइन हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ से यहाँ तक एक लाइन हो गई अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में उल्टी तरफ बहुत ही सिंपल सी यह डिज़ाइन है सिर्फ एक लाइन में हमें इस तरह से बनाना है देखिए यहाँ पे ये सात फंदा हमें उसी तरह से बनाना है ऐसे सीधा देखिए सात फंदा हो गया अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे स्पिन के पास आ गए हैं अब यहाँ पे हमें डिजाइन की दूसरी लाइन बनानी है अब देखिए धागा आगे करके हमें देखिए यहाँ से यहाँ इस पिन तक पूरी लाइन उल्टी बनानी है ये डिज़ाइन की दूसरी लाइन है ऐसे हम उल्टा बनाएंगे से एक एक फंदा यहाँ पे देख के बना लीजिएगा देखिए इस तरह से मैं यहाँ से यहाँ इस पिन तक पूरी लाइन उल्टी बना लेती हूँ देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने पूरी लाइन उल्टी बना के कंप्लीट कर लिया है हम यहाँ पे देखिए इस पिन के पास आ गए हैं तो यहाँ पे हमें ये सात फंदा सीधा बनाना है धागा हम पीछे करेंगे और इसे हम ऐसे सीधा बना लेंगे देखिए डिजाइन की दो लाइन हमने बना लिया है अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में सीधी तरफ अब हमें डिजाइन की तीसरी लाइन बनानी है देखिए पहला फंदा उतार के धागा पीछे करके ये सात फंदा तो हमें सीधा बनाना ही है देखिए ये सात फंदा हमने सीधा बना लिया अब यहाँ पे देखिए ये लाइन हमें सीधी बनानी है डिजाइन की तीसरी लाइन हमें पूरी लाइन सीधी बनानी है जैसे हम सीधा बुनेंगे देखिए, इस तरह से हमें ये पूरी लाइन सीधी बनानी है यहां से यहां तक हम सीधा बनाएंगे और यहाँ पे ये यह सात फंदा भी हमें सीधा बनाना है तो यहाँ से देखिए यहाँ तक हम पूरी लाइन सीधी बना के कम्प्लीट कर लेते हैं देखिए मेरी लाइन हो गई है देखिए यहाँ से हमने यहाँ तक पूरी लाइन सीधी बना लिया है ये डिज़ाइन देखिए यहाँ पे इस तरह से दिखने लगी है तीन लाइन हमने बना लिया है डिज़ाइन की इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में अब हमें इसकी चौथी लाइन बनानी है अब देखिए चौथी लाइन हमें पूरी लाइन सीधी बनानी है ये फंदा तो हमें सीधा बनाना ही है बाकी इस डिज़ाइन के फंदे को भी हमें सीधा बनाना है तो इस तरह से हम ये पूरी लाइन सीधी बनाएंगे देखिए यहां तक हमने बना लिया अब हम इस डिजाइन के पास आ गए हैं तो यहाँ पे भी हमें ऐसे सीधा बुनना है इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन सीधी बनानी है यहाँ लास्ट देखिए मेरी ये लाइन हो गई है यहाँ से यहाँ तक मैंने सीधा बुन लिया है अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में सीधी तरफ अब देखिए यहाँ पे हमने चार लाइन बना लिया है डिज़ाइन की तो ये डिज़ाइन चार लाइन में कंप्लीट हो जाती है अब देखिए इसी चार लाइन को हमें ऐसे रिपीट करते जाना है अब जिस तरह से हमने डिज़ाइन की पहली लाइन बनाई थी उसी लाइन को हमें यहाँ पर रिपीट करना है तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बना के बता देती हूँ कि हमें पहली लाइन किस तरह से बनाना है उसके बाद देखिए इसी चार लाइन को हम रिपीट करते जाएंगे देखिए ये सात फंदा हमने इस तरह से बना लिया है सीधा अब यहाँ पे जब हमने डिज़ाइन की पहली लाइन बनाई थी ऐसे धागा आगे करके एक फंदा हमने उल्टा बनाया था तो हमें उसी तरह से बनाना है धागा आगे करके एक फंदा उल्टा अब यहाँ पे धागा हम पीछे करेंगे और देखिए ये तीन फंदा हमें ऐसे थोड़ा सा लूज़ करना है ऐसे लूज़ करके हमें इस साइड से ऐसे सिलाई करके एक फंदा सीधा फिर धागा आगे फिर तीनों फंदे में हम ऐसे सिलाई करके एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे फिर एक फंदा सीधा इस तरह से यहाँ पे देखिए तीन फंदा हो गया इसे हम उतार देंगे तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे बन गया फिर धागा आगे करके एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे करके ऐसे हम तीन फंदे को थोड़ा सा ऐसे लूज़ कर लेंगे और यहाँ पे हम देखिए ऐसे इस साइड से सिलाई करके उसी तरह से बनाएंगे एक सीधा एक उल्टा फिर एक सीधा फिर धागा आगे एक उल्टा फिर धागा पीछे फिर इसी तीन फंदे को हमें यहाँ पे ऐसे रिपीट करना है देखिए यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है तो फ्रेंड्स जिस तरह से हमने ये चार लाइनें बनाई थी अब इसी चार लाइन को हम ऐसे रिपीट करते जाएंगे और जितना बड़ा इसे हमें बनाना है हम इसी तरह से इस चार लाइन को बनाते हुए इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेते हैं देखिए मुझे जितना बड़ा इसे बनाना था मैंने बना लिया है मैं इसे नाप के बता देती हूँ देखिए नौ इंच हमें इसकी लंबाई रखनी है यहाँ पे नौ इंच मैंने इसे बना लिया है अब यहाँ पे देखिए इसकी लंबाई पूरी करने के बाद हमें यहाँ पे इसके फंदे घटाने हैं तो पहले हम फंदे को आधा आधा करेंगे आधा इस साइड में आधा इस साइड में हमें बीच में दो दो फंदा घटाते हुए जाना है हर सीधी सिलाई पे। तो ये वाला पिन हम निकाल के यहाँ पे बीच में लगाएंगे देखिए मैंने यहाँ पे बीच में निशान लगा लिया है देखिए एक साइड में हमारे उनसठ फंदे आए हैं मैं यहाँ पे देखिए फंदों को गिन के बता देती हूँ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनचालीस चालीस इकतालीस बयालीस तिरालीस छवालीस पैंतालीस छियालीस सैंतालीस अड़तालीस उनपचास पचास इक्यावन बावन तिरपन चौपन पचपन छप्पन सत्तावन अट्ठावन उनसठ यहाँ पे इस साइड में उनसठ बंदा और यहाँ पे इस साइड में उनसठ फंदा और बीच में यहाँ पे ये हमने एक फंदा रखा है तो, तो, तो टोटल यहाँ पे एक सौ उन्नीस पंदा देखिए हो गया उनसठ यहाँ पे उनसठ यहाँ पे और एक बीच में तो इस तरह से हमें फंदों को बांट लेना है अब देखिए यहाँ पे ये जो बीच वाला फंदा हमने रखा है इस बीच वाले फंदे के इस साइड में हमें ऐसे दो का एक करना है और यहाँ पे इस साइड में ऐसे दो का एक करना है तो एक फंदा यहाँ पे कम हो जाएगा और एक फंदा यहाँ पे कम हो जाएगा अब देखिए ये इसकी राइट साइड है सीधी तरफ देखिए पूरी लाइन हमें सीधी बनाते हुए जाना है हम यहाँ से देखिए यहाँ तक बनाएंगे देखिए इस तरह से हम यहां से यहां इस पिन तक बनाएंगे देखिए यहां से यहां तक मैंने बना लिया है देखिए मैं यहां पे इस पिन के पास आ गई हूँ तो यहाँ पे दो फंदा हमने यहाँ पे रखा है क्योंकि हमें इसी दो फंदे को एक साथ सीधा बुनना है देखिए ये वाला जो फंदा है इसे हम ऐसे पलट लेंगे पलटने के बाद हम ऐसे दोनों फंदे में सिलाई करके दो का एक कर देंगे इस तरह से यहाँ पे देखिए एक फंदा कम हो जाएगा एक फंदा हमने यहाँ पे घटा लिया है अब यहाँ पे ये वाला फंदा हमें सीधा बुनना है अब यहाँ पे हमें फिर से दो का एक करना है तो यहाँ पे भी एक फंदा कम हो जाएगा अब देखिए सिलाई हमें ऐसे इस साइड से करके दोनों फंदे में ऐसे हम दो का एक कर लेंगे यहाँ पे भी ऐसे एक फंदा कम हो गया ठीक है तो यहाँ पे इस तरह से हमने एक फंदा यहाँ पे कम कर लिया एक फंदा यहाँ पे कम कर लिया अब देखिए ये इसकी राइट साइड है और ये इसकी पहली लाइन है जिसमें हमने फंदे घटाए हैं अब यहाँ पे हमें ऐसे सीधा बुनते हुए जाना है क्योंकि हम सिर्फ बीच में फंदे घटाएंगे तो यहाँ से देखिए यहाँ तक हम इसी तरह से सीधा बुन के कम्प्लीट कर लेंगे देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने बना लिया है देखिए मेरी ये एक लाइन कंप्लीट हो गई अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में उल्टी तरफ अब देखिए रॉन्ग साइड से हमें यहाँ पे फंदे नहीं घटाने हैं हम सिर्फ राइट साइड से जब बनाएंगे तो हम दो फंदे घटाएंगे जिसे हमने अभी बनाया है बाकी जब हम रॉन्ग साइड से बनाएंगे तो हमें फंदे नहीं घटाने हैं देखिए इस तरह से हमें सीधा बनाना है देखिए इस तरह से हम यहां से यहाँ इस पिन तक बनाएंगे देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने बना लिया है देखिए मैं यहाँ पे इस पिन के पास आ गई हूं ये रॉन्ग साइड है उल्टी तरफ तो रॉन्ग साइड से देखिए हमें ये वाला फंदा बुनना नहीं है हम इसे बगैर बुने हुए उतारेंगे देखिए धागा पीछे के साइड में है इसे हम आगे लाएंगे और ये वाला फंदा ऐसे हम उतार लेंगे बगैर बुने हुए फिर धागा पीछे करके हमें फिर से सीधा बुनना है जैसे हमने यहाँ पे बुना है उसी तरह से सिर्फ ये वाला एक फंदा हमें बगैर बुने हुए उतारना है बीच वाला अब देखिए इस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक सीधा बुन के कम्प्लीट करेंगे देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने बना लिया है इसकी दूसरी लाइन हमने कम्प्लीट कर लिया है अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में अब देखिए इसी दो लाइनों का हमें रिपीट करना है जब हम राइट साइड से बनाएंगे तो यहाँ से देखिए हम यहाँ तक बनाएंगे उसके बाद हम यहाँ पे दो का एक करेंगे फिर ये एक फंदा सीधा फिर यहाँ पे हम दो का एक करेंगे फिर यहाँ से यहाँ तक सीधा जब हम रॉन्ग साइड से बनाएंगे तो हम यहाँ से यहाँ तक सीधा बनाएंगे और इसे हम बगैर बुने हुए उतार लेंगे देखिए फ्रेंड्स फंदे घटाते हुए मैंने इसकी लंबाई बना ली है देखिए यहाँ पे लास्ट में तीन फंदा यहाँ पे बचा है तो इसी तरह से हमें यहाँ पे फंदे घटा लेने हैं अब देखिए मैं इसे नाप के बता देती हूँ कि कितनी लंबाई यहाँ पर आई है हम यहाँ से देखिए नापेंगे यहाँ से ऐसे तो देखिए यहाँ पर बारह इंच इस साइड की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक अब यहाँ पर ऐसे नापेंगे तो लगभग देखिए साढ़े पंद्रह इंच यहाँ की लंबाई है जितनी यहाँ पे है उतनी ही यहाँ पे है तो इस तरह से हमें इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेना है देखिए ये इस तरह से बन गया अब यहाँ पे लास्ट में अब तीन फंदा बचा है हमने सारे फंदे घटा लिए हैं तो ये तीन फंदा भी हमें अब बंद कर देना है देखिए यहाँ पे ये तीनों फंदों को हम एक साथ ऐसे सीधा बुन लेंगे अब इसमें से हम ये वाला धागा ऐसे करके यहाँ पे नॉट लगा देंगे यहाँ पे इस तरह से हो गया देखिए इस तरह से इसका कंप्लीट हो गया है अब यहां पे हमें झालर लगाना है तो मैंने देखिए झालर अपने एक वीडियो में बना के बताया है कि हमें ये किस तरह से बनाना है उस वीडियो की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूँगी आप उस पर क्लिक करके इसे देख लीजिएगा कि हमें ये किस तरह से बनाना है देखिए यहाँ पर मैंने इतना बड़ा धागा इसे छोड़ के कट कर लिया है देखिए इसी धागे से हमें इसमें झालर लगाना है देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे झालर लगा लेना है देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे झालर लगा लिया है ये इस तरह से कंप्लीट हो गया अब देखिए इसका बनाने के बाद हमें यहाँ पे डोरी बनाना है तो यहाँ पे और यहाँ पे हमें फंदा उठाना है देखिए यहाँ पे ये वाला धागा है तो मैं इसी धागे को यहाँ पे ऐसे कट करके ले लेती हूँ इसे हम नीचे करके नोट लगा देंगे उसके बाद इसे हम अंदर कर देंगे अब यहाँ पे देखिए ये वाला धागा है तो इसी धागे से मैं यहाँ पे ऐसे फंदा उठा ले रही हूँ आपके पास यहाँ पे नहीं है तो आप अलग से देखिए ऐसे धागा ले लीजिएगा देखिए एक दो तीन चार पाँच छे सात हमें यहाँ पे इस तरह से सात पंदा उठाना है अब देखिए इसे हमें सिर्फ सीधा सीधा बुनना है जैसे हमने यहाँ पे ये वाला बॉर्डर बनाया है उसी तरह से पहला पंदा हम उतार लेंगे धागा पीछे करके ऐसे हम सीधा बुनेंगे। अब इसे पलट के फिर से हम पहला फंदा उतार के धागा पीछे करेंगे इसे हम सीधा बुनेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे सीधा सीधा बुनते हुए हमें पट्टी की लंबाई कंप्लीट करना है अब देखिए यहाँ पे भी हमें इसी तरह से फंदे उठाने हैं तो मैं आपको यहाँ पे फंदे उठा के बता देती हूँ अब देखिए यहाँ पे हम किस तरह से फंदे उठाएंगे? देखिए यहाँ पे ये एक दो तीन चार पाँच छ सात इस तरह से हमें यहाँ पे सिलाई करके पहले हम इसमें ऐसे नॉट लगा लेंगे अब यहाँ पे इस साइड से हमें फंदे उठाने हैं देखिए यहाँ पे हमने सात फंदा उठा लिया अब देखिए दोनों तरफ हमें सीधा सीधा बुनते हुए पट्टी की लंबाई कंप्लीट कर लेना है देखिए पट्टी की लंबाई मैंने बना लिया है देखिए आठ इंच की पट्टी मैंने बनाई है आप इसे अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं अब देखिए आठ इंच बनाने के बाद हमें यहाँ पे इसके फंदे बंद करने हैं तो यहाँ पे यह ऐसे दो फंदा हम सीधा बनाएंगे अब ये वाला फंदा हम इसके ऊपर से उतार देंगे अब ये वाला फंदा हम इसके ऊपर से उतार देंगे देखिए इस तरह से सारे फंदे यहाँ पे बंद हो गए हैं अब देखिए ये जो धागा है इसे हमें इसके अंदर करना है तो आप सुई से भी कर सकते हैं या फिर आप क्रोशिया से कर सकते हैं देखिए इस तरह से ये धागा अंदर हो गया अब देखिए इसी तरह से हमें इस धागे को भी अंदर करना है जहाँ जहाँ पे देखिए धागा दिख रहा है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हमें इसी तरह से सारे धागे इसके अंदर कर देने हैं देखिए इस तरह से इसका कंप्लीट हो गया तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आप मेरे तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक यू